चेतना जागृति संस्था उत्तर प्रदेश तत्वाधान में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के द्वारा आगरा की 30 मलिन बस्तियों में 1000 राशन किट बांटने का काम उनके पुत्र अभिनव कुर्रे के द्वारा किया जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर कोई भूखा न रहे इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के द्वारा कार्यक्रम के लिए अभिनव मौर्य को साफा बांधकर फूलमालाओं से भव्य स्वागत भी किया गया। संगठन को साहस बढ़ाने के लिए बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड राज्यपाल के पुत्र अभिनव मौर्य को संगठन का नेता भी बनाया गया। लगभग 150 कार्यकर्ताओं की टीम जाटव समाज के साथियों ने अभिनव मौर्य का हर संभव साथ निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बच्चू सिंह बौद्ध ने, संचालन थान सिंह इंजीनियर ने किया। इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभाने वाले आनंद सिंह, ज्ञान सिंह, विनोद गौतम, राजेंद्र सिंह, थान सिंह, कुणाल, नवीन कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। अब मैं भैया से कहूंगा, भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की मां महिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी के निवास स्थान मौजूद हैं, जहां देखने को मिला है कि गरीबों असहाय लोगों के लिए जो नव चेतना जागृत मंच है उस संस्था द्वारा गरीबों को यहां राशन वितरित किया जाता है जाएगा। और वहीं सुनने को मिला है कि आज सभी जिम्मेदार साथियों साथ मां महिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी पुत्र अभिनव मौर्य जी यहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि हमारा सबसे पहले दायित्व बनता है कि भूखे को खाना, गरीबों की मदद करना, ये हमारा पहला प्रथम फर्ज है। वहीं उनका कहना है कि आज आज़ादी का पर्व है, जिसको हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के साथ यह आज़ादी का पर्व हमें मनाने का जो संदेश दिया है, हम उनकी कुर्बानियों को भुला नहीं सकते हैं। अब देखना यह है कि हमारी महामहिम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी के आदेशों का पालन करते हुए जनता कितनी उनकी आशाओं पर खरा उतरती है, यह आने वाला समय बताएगा। मैं अपने साथी अनिल पचौरी के साथ मोहम्मद अजीम भारती, बीपीए न्यूज, आगरा। आज का प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है समाज सेवा, अंतिम उद्देश्य है समाज की अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए हर इंसान को मदद पहुँचाना, हमारा अंतिम उद्देश्य रहेगा और हम करते रहेंगे। आज जश्न आज़ादी का पर्व है, वहीं इस आप जो प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, जो दहेज बीन बेटियां हैं उनके दर्द को इस पर्व के उपलक्ष्य में कहां तक महसूस करते हैं, उनकी लिए कहां तक मदद के लिए आप आते रहे? देखिए, हमारी आज़ादी जब तक अधूरी है, जब तक हम हर किसी परेशान व्यक्ति को सहायता ना पहुंचा पाए, चाहे दहेज बीन हमारी बेटियाँ हों, चाहे बहनें हों, या फिर आगे की पीढ़ी है, उसको हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो वही हमारा आज़ादी अधूरी है। आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी संगठन की? देखिए, हमारी संगठन की रणनीति यही है कि सबका साथ सबका विकास, यानी अंतिम व्यक्ति तक अपना जो सामाजिक विकास होना चाहिए। भैया, हम लोग जो सेवा कार्य पिछले 2 सालों से आगरा में समाज के बीच कर रहे हैं, उसी को एक नया आयाम देने की ये कोशिश है, एक नया प्रकल्प देने की ये कोशिश है। आज हमारा हिंदुस्तान जश्न आज़ादी पर्व में जश्न आज़ादी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहा है। इसी पर्व को लेकर और महामहिम राज्यपाल ने जो आदेश किए हैं आपके महावीर मौर्य ने, उनके आदेश पालन करते हुए आप जनता को क्या बेहतर करना चाहते हैं? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों बहनों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें उन सभी वीर लोगों का आज स्मरण करना चाहिए, आज उनकी आहुतियों को, उनके बलिदानों को याद करते हुए हमें अपने भविष्य को अच्छा सुंदर बनाने के लिए प्रतिज्ञा लेनी है और इस पर्व को उतने ही धूमधाम से मनाना है जितना कि हमारे सभी वीर साथियों ने 75 साल पहले सोचा था। देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए आप देशवासियों का संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, संगठित रहें, शिक्षित बने और अपने जीवन